गर्म धरती का एपिसोड तो तुम्हें माइनक्राफ्ट गर्म धरती का एपिसोड टू चाहिए है। वीडियो को लाइक किया तुमने अभी तक? लाइक करो पहले। तो हेलो मोबाइल जरूर बच्चों एंड बैन वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड आस्क इट देन। ओके ओके मेरे को हर जगह से आवाज आ रही है। ओह माय गॉड इधर से उधर से। Yes, that's right, everybody. तो आज हम लोग खेलने वाले हैं गर्म धरती सीजन वन एपिसोड टू। मैं कितनी एक्साइटमेंट में बोलता हूँ। यही एक्साइटमेंट एक रीजन है जिससे ये सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी बन रही है। फ्रेंकली मैं तुम लोग से एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, hey guys, let's go, subscribe to this channel. लेकिन नहीं, like, मैं तुम लोग को सीरियसली होकर बता रहा हूँ, अगर तुम लोग को ये वीडियो में मजा आता है एंड तुम लोग को लगता है कि भाई oh my God, कितना खूबसूरत कितना क्यूट कितना एंजॉयमेंट बनता है इसकी, तो वीडियो हमें और देखनी चाहिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो जाके। काफी लोग को लगता है कि हो हम तो रचित के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यस चेक करो तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। ऑल्सो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एम रखा था 100,000 likes के लिए एंड 100,000 likes हो भी गए। इस बार हम थोड़ा एम बड़ा रख रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें इस सीजन का इस एपिसोड का इस सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 3 चाहिए है तो इस वीडियो पे आने चाहिए पूरे 100,000 likes। No, I'm not joking. मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ तुम्हें। Subscribe now. तो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया था। हम लोगों ने बस अपना ये ब्यूटीफुल सा हाउस बनाया था, उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत बढ़िया सी लूट आ गई थी और हमने एक अपना छोटा सा आर्मी भी बना लिया था। बस उस एपिसोड के अंदर हमने इतना ही किया था। ओके मजाक से हटके, तो अगर तुम लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, जो कि कमेंट्स में तो लोग भाई पढ़ के ऐसे हो रहे थे ओह माय गॉड आखिर रचित भाई ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर 1 मिनट के अंदर बेड बना लिया और 10 मिनट के अंदर घर बना लिया, इतना खूबसूरत। यस मैंने बोला था मैं माइनक्राफ्ट के अंदर नूब था, लेकिन अब मैं नूब प्रो हूँ। यस मैं फुल प्रो नहीं हूँ, मैं एक नूब प्रो हूँ। वैसे एक्चुअली वो एपिसोड खत्म करने के बाद मैंने थोड़ी सी और चीजें देखी थी, मतलब मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमा था कि मेरे को चेक करना था कि आखिर ये हमारा वर्ल्ड कैसा है, लेकिन घूमते मेरे को भाई एक बहुत खतरनाक चीज मिली और वो चीज ये है। आई नो अभी तुम्हारे मन में चल रहा होगा पता है कि रचित भाई गांजा कब से फूकने लगे, यहाँ पे सामने क्या है? एक्चुअली एक चीज है, रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। एक्चुअली सीन क्या था, मैं ऐसे ही घूम रहा था, लाइक मैं मजे में था, लाइक ओके लेट्स सी कि आखिर इस वर्ल्ड में क्या है भाई, डायमंड कहाँ मिलेंगे, लेकिन ऐसे घूमते मेरे सामने ये आया एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, लाइक तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आखिर ये गेम के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर कैसे बन गया? लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ओ नो नहीं ये गेम साबित हो सकता है, हमारा ये वर्ल्ड साबित हो सकता है, तो मैं इस चीज के पास नहीं गया। अब एक और कंफ्यूजन मेरे को इसलिए थी, अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि एक जगह पे पानी नीचे नहीं गिर रहा था एंड लोग भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर रचित भाई तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ये पानी एक ही जगह पे क्यों टिका हुआ है। ओके तो हम लोग पुराने एपिसोड की बात छोड़ते हैं, आज के एपिसोड के अंदर अपने को डायमंड चाहिए है क्योंकि हमें भी भाई बहुत ज्यादा अमीर बनना है। उसके साथ ही साथ गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग को लाइक अपनी खेती भी स्टार्ट करनी है। हम किसान है, हमने YouTube छोड़ दिया है गाइस, अब हम किसान है। और मेरे को भाई भूख भी लगी है तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मेरे पास ये रॉ पॉप चॉप है क्या बोलते हैं इसको, रॉ पॉर्क चॉप एंड रॉ बीफ भी है और कोल भी है, तो मैं क्या करता हूँ लाइक जल्दी से अपना ये स्टार्ट करता हूँ एंड फर्नेस में लाइक थोड़ा सा ये कोल डालकर मैं थोड़ा सा खाना बना लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे को लगी है बहुत ज्यादा भूख। उसके बाद जाकर अभी हम लोग भाई यहाँ पे डायमंड ढूंढने वाले हैं, बस आज के दिन मेरे को डायमंड्स और अपना ये फार्म तो बहुत जल्दी बनाना है, प्लस आज के दिन ही हम लोग कोशिश करेंगे अपना नेदर पोर्टल बनाने की, क्योंकि भाई मेरे को नेदर में जाके भाई चीजें भी कलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरे को ये गेम जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी फिनिश करना है। यार बिना खाना के मैं इतना धीरे चल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, मेरे को खाना चाहिए जल्दी दो। ओके ये तीन आ गए भाई, अब तक ये रॉ बीफ भी डाल देता हूँ मैं, पोर्क चॉप खा लेता हूँ मैं, आई थिंक इससे मेरा पेट भर जाएगा। ओके नाइस इससे मेरा पेट भर गया, तब तक ये भी हो रहे हैं तैयार, ये भी तैयार हो जाने देते हैं। एक्चुअली ऑफलाइन मोड में मैंने क्या किया था, मैंने लाइक ज्यादा कुछ इंक्रीजमेंट नहीं किया क्योंकि सीन ऐसा था कि ऑफलाइन मोड के अंदर अगर मैं कुछ भी प्रोग्रेस करता तो उसका कोई सेंस ना बनता, लाइक मैं चाहता हूँ कि भाई ये पूरा गेम विदाउट क्रिएटिव मोड का यूज करें, मैं फिनिश करूं और जल्दी से जल्दी। एक्चुअली लास्ट एपिसोड फिनिश करने के बाद मैं इस पहाड़ी पे गया था क्योंकि मेरे को इसके पहाड़ी के सामने लाइक वहां पे तुम लोग देख सकते हो मेरे को कोल दिखाता एंड मेरे को थोड़ी कोल की जरूरत भी थी एंड आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैं सोचा कि भाई इस पहाड़ी के पास जाता हूं, तो मेरे को एक जगह पे गाइस बहुत ज्यादा कोल दिखा, तो मैं सोचा कि लाइक जब एपिसोड स्टार्ट होगा तब हम उस जगह पे जाएंगे क्योंकि इसके अंदर गुफाएं भी है, शायद से मैं इतना लकी हो जाऊं कि मेरे को डायमंड भी मिल जाए, तो इसी वजह से मैं लाइक ऑफलाइन में कुछ भी नहीं किया सच बताऊं तो, ये है मैंने सोचा कि वीडियो में ही करेंगे। ओके आई
थिंक अभी हम लोग का खाना तैयार हो गया है। तो मेरे पास दो स्टीक भी आ गई है, तो इसका मतलब मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा आयरन ढूंढने के लिए, गोल्ड ढूंढने के लिए, डायमंड ढूंढने के लिए और थोड़ा सा कोल ढूंढने के लिए। और एक्चुअली मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा कोल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पानी है प्लस उधर साइड लावा भी है। तो लावा पानी जहाँ पे हो तो उसका 100% ये समझ लो 90% चांसेस है कि यहाँ पे गाइस अपने को बहुत आराम से आयरन मिल जाएगा। आयरन के साथ ही साथ गाइस बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई हमें जो है डायमंड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली एक गुफा भी है, तो भाई मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा यार। वैसे एक चीज तो मैं भूल ही गया भाई, मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च है, तो मेरे को टॉर्चेस भी बहुत बनानी पड़ेंगी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने साथ एक क्राफ्टिंग टेबल लाया हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। मैं इसीलिए क्राफ्टिंग टेबल लाया हूँ कि भाई अगर बाद में कोई चीज हो तो यहाँ पे मैं टॉर्च बना पाऊँ। ओके, किसने कहा था कि भाई मैं होशियार हूँ, मैं कोल तो वहां पर ही छोड़ आया। ओके, मैं क्या करता हूँ, पता है भाई मैं कोल लेने जा रहा था यार, नीचे कूद यार, आई एम सो स्टूपिड भाई, मेरे को कोल लेने जाना ही क्यों है जब भाई यहाँ पे इतना सारा कोल है। हे भगवान भाई, लेकिन यार रात होने लगी है, मैं क्या सोच रहा हूँ लाइक नेक्स्ट दिन ही कुछ करते हैं एंड यहाँ पे सीधा कोल लेंगे एंड फिर लाइक थोड़ा फार्मिंग करेंगे एंड माइनिंग करेंगे जाके। बिकॉज आज के दिन मेरा मोटिव यही है कि मेरे को डायमंड चाहिए, और तुम लोग मानो या ना मानो भाई मैं आज के दिन डायमंड लेके ही रहूंगा, ठीक है। एंड वहाँ पे मेरे को एक शीप दिख रही है, तो मेरे को खाना भी चाहिए, तो तब तक मैं इस शीप को मार देता हूँ। अरे हाय शीप जी, अरे 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 भाग भागते भागते किधर है, रुक रुक मेरे पास एक्स है ना, एक्स से लोग जल्दी मरते हैं। जॉम्बी नहीं है ना अभी तक। लाइक स्पेशल चीज गाइस तुम लोगों को बताऊं क्या है, लाइक इस एपिसोड में अभी तक मेरे को किसी भी मॉब ने नहीं मार पाया है। लाइक जब से ये एपिसोड स्टार्ट हुआ है, एपिसोड नहीं मतलब जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे को एक भी मॉब ने नहीं मार पाया है, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब रात हो गई है, अब मजाक से हटके मेरे को जल्दी से जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाई मैं जाऊंगा माइनिंग करूंगा, खेती करूंगा, खेती करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा बेड रहा, सो जाता हूं मैं। ओके, ये हो गई है मॉर्निंग, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास शावल है आई थिंक, भाई मेरे पास शावल थी भाई, शावल ही चली गई। अंदर जाके मैं सीधा शावल बना लेता हूं सबसे पहले। उसका रीजन ये है कि भाई मेरे को माइनिंग करनी है, ठीक है। एक्चुअली माइनिंग नहीं करनी है शावल से, मतलब मेरे को फार्मिंग करनी है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर साइड फार्मिंग करूं। मैं सोच रहा हूं इधर साइड फार्मिंग करूं भाई, इधर साइड ज्यादा अच्छा होगा। मैं तुम लोग को आज के दिन एक फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया सा आइडिया भी बताऊंगा, जिससे तुम लोग बहुत अच्छे से फार्मिंग कर सकते हो। ओके, तब तक मेरे को यहां पे भाई वो भी मिल जाएंगी सीड्स, क्योंकि मेरे को सीड्स भी चाहिए, तो मैं जल्दी से ये तोड़ देता हूं, इनसे ही मेरे को सीड्स मिलेंगी एंड फिर फार्मिंग करूंगा। अरे नाइस भाई, सीड ऐसे ही सीड गिराओ, इनको तोड़ने से गाइस अपने को सीड मिलती है। तोड़ो जल्दी 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 टूटो। अरे सीड दो। ओके, ये रही एक सीड, इनको भाई जितना मैं इनको तोड़ूंगा ना उतनी मेरे को सीड मिलेंगी। ओके, अभी कितनी सीड्स होगी, क्योंकि मेरे पास 12 सीड्स हो गई है, लेकिन 12 सीड्स भी नहीं यार, मेरे को और भी ज्यादा सीड चाहिए है, क्योंकि मैं अपना जो फार्म है वो थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं भाई, जिसमें खेती मेरी अच्छी से होती रहे यार। ओके, तो अभी मेरे पास 25 सीड्स हो गई है। ओके, तो ये नया फार्म जो है ना, ये बनाने के लिए मेरे को थोड़ी सी स्टेयर्स चाहिए। और तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि हो रचित ब्रो, आखिर आप स्टेयर्स का क्या करोगे, मैं तुम लोग को अभी बताता हूं। तो एक्चुअली मैंने 4 स्टेयर्स ले ली है, तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी सबसे पहले मेरे को खोदना है, एक यहाँ पे खोदते हैं। ओके, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, तो तुम लोग को ऐसे एक जगह पे खोदना है, फिर थोड़ा सा दूर जाना है, यहाँ पे खोदना है, यहाँ पे स्टेयर रखनी है, फिर थोड़ा सा दूर जाना है, यहाँ पे खोदना है, यहाँ पे एक स्टेयर रखनी है एंड एक यहाँ पे स्टेयर रखनी है। तो इस तरीके से तुम लोग को स्टेयर्स को रखना है। आफ्टर तुम लोग को क्या करना है, जस्ट इस तरीके के जो एरिया है ना, इनको आपको खोदना है। ये देखो, जैसे मैं खोद रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको खोदना है। लाइक बहुत इजी है, अभी तुम लोग को जब मैं ये दिखाऊंगा ना कि ये फार्म कैसा दिख रहा है, तो तुम लोग भी कहोगे कि ओ माय गॉड, रचित इज सो प्रो, रचित इज रियली रियली सो सो प्रो। ओके, तो इस तरीके के हमारा फार्म होने वाला है, तुम लोग देख सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, एक्चुअली मेरे को आयरन चाहिए है, आयरन से मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, जिससे ये जितना भी फार्म है ना, तो सबसे पहले मेरे को आयरन के लिए ऊपर जाना है। तो एक्चुअली जैसे ही मेरे को आयरन मिल जाता है, तो आयरन से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं एक बाल्टी बना सकता हूँ, एंड जैसे ही मैं बाल्टी बनाऊंगा उसके बाद ये फार्म बन जाएगा। तो बाल्टी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आई थिंक सो यहाँ पे आयरन मिल सकता है। वैसे यहाँ पे कोल है, मैं जल्दी से कोल ले लेता हूँ, बस मेरे को कोल की भी जरूरत पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे पास और नाइस। ओके, यहाँ पे आयरन मिल गया। तो प्रॉब्लम मैं ये कह रहा था कि भाई मेरी ये बहुत जल्दी टूटने वाली है पिकेक्स, और अच्छी चीज ये भाई मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना, अरे और प्लीज थोड़ा सा और आयरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई। थोड़ा सा और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आयरन चाहिए भाई मेरे को यार, प्लीज दे दो ना यार। वेयर आ रही हो यार, अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे आयरन नहीं मिल रहा भाई मेरे को। अरे मिल गया। तो एक्चुअली सीन क्या है, लास्ट एपिसोड के अंदर भाई तुम लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट किए और मेरे को कुछ चीजें बताई, और भी आयरन है भाई यहाँ पे, भाई बहुत ज्यादा आयरन है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो एक्चुअली लास्ट एपिसोड के अंदर भाई काफी लोगों ने मेरे को चीजें बताई कि रचित भाई आप ये करो, इससे आपको जल्दी मिलेगा। काफी लोग का कहना ये था कि भाई जहाँ पे आप
आपको लावा दिखे एंड पानी हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको लाइक ये आयरन गोल्ड एंड डायमंड में से कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो मैं सोचा कि इस टेक्निक को मैं यूज करूँ। तो अगर तुम्हारे मन में कोई टेक्निक आ रही है तो मेरे को भाई जल्दी से बताओ, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे। भाई भाई कितना ज्यादा आयरन है भाई यहाँ पे, भाई 9 आयरन ओर मिल गए भाई, 9 आयरन ओर। ओके आई थिंक मेरे को यहाँ पे नॉर्मली काफी मिल गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ लाइक मैं थोड़ा सा कोल और ले लेता हूँ, एंड ये लेने के साथ मैं जाता हूँ फर्नेस के पास, एंड जितना भी मेरे को ये आयरन ओर मिला है ना इसका मैं यूज करके लाइक वो बाल्टी तैयार करता हूँ, और तब तक मैं अपना जो फार्म है ना उसको रेडी कर देता हूँ। फार्म जब रेडी हो जाता है उसके बाद मैं जाऊंगा एंड देन डायमंड जो है ना उसकी खोज करूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं तुम लोगों को समझाता हूँ सीन क्या है कि जब हम ये स्टेयर्स नहीं लगाते हैं तो लोग यहाँ पे गड्ढा करके इसमें पानी कर देते हैं, जिससे ये जो एरिया है ना ये गीला हो जाए, और जैसे ही एरिया गीला होता है तो आप उतनी जल्दी लाइक यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो। बट वो एरिया गीले करने का रीजन मतलब मेरे को गलत इसलिए लगता है क्योंकि भाई यहाँ पे आप उसके ऊपर अगर आपका पैर पड़ जाता है ना तो भाई फार्म खराब हो जाता है, ठीक है, पानी के अंदर। तो अगर ये स्टेयर्स लगी होंगी तो अगर इसके अंदर मैं पानी डालूंगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग को अभी मैं दिखाता हूँ, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये जल्दी से फर्नेस काम करना। ओके मेरे पास 3 हो गई आयरन इंग्ले, अपने को बनानी है बाल्टी। ओके ये मैंने बाल्टी बना ली है। मैंने देखा ही नहीं यार रात होने वाली है यार, दिस इज नॉट ओके यार, इतनी जल्दी रात नहीं होनी चाहिए यार। मैं फार्म भी तैयार नहीं कर पाया यार ऑन द फर्स्ट डे। वैसे मेरे को एक चीज बताओ, फार्म ऐसे ही बनता है ना, मेरे को सच्ची में इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, मैं तुम लोग को बोला था आई एम सो नूब, लेकिन ये रात इतनी जल्दी क्यों हो गई भाई, मैंने कुछ प्रोग्रेस कर ही नहीं पाई यार। भाई फर्स्ट एपिसोड के अंदर इतनी जल्दी प्रोग्रेस की थी, सेकंड एपिसोड के अंदर कुछ नहीं कर पाया और मैं सो गया भाई इतनी जल्दी सेकंड एपिसोड में। व्हाट इज दिस रचित, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे पास ये रहे सीड्स, तो मैं जल्दी से सीड्स लगा देता हूँ। बता है सीड्स लग क्यों नहीं रहे हैं भाई, मैंने सही किया था ना ये। फार्म ऐसे ही बनाते हैं ना, मेरे को कोई बताएगा, मैंने फार्म तो सही बनाया है ना। ओ नो डोंट से कि भाई मैंने फार्म गलत बनाया है। ओ भाई मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ भाई, मैं यही भूल गया था कि भाई मेरे को हो बनाना पड़ता है, ठीक है, एंड हो से काम करना पड़ता है। आम सो नूब, ठीक है, आम सो सॉरी भाई, मेरे को यही नहीं पता था। एक्चुअली मेरे को पता था लेकिन मैं भूल गया था कि हो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये हो से ये जो एरिया है ना इसको कर देता हूँ ऐसा। जब मैं ये एरिया ऐसा करूंगा तो यहाँ पे जितना भी ये पानी डला है ना ये इससे गीला हो जाएगा, एंड जब गीला होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते हैं। ओके तो जल्दी जल्दी मैं ये कर देता हूँ। वैसे भाई मेरा फार्म इतना ज्यादा गंदा क्यों लग रहा है, कोई मेरे को ये बताएगा। ओके तो हम लोग का ये फार्म रहा, तो अब अपने को क्या करना है, हमारे पास वीट सीड्स हैं, तो जल्दी से यहाँ पे सीड्स लगा देते हैं एंड देन भाई मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई रात में ज़ॉम्बीज आएंगे या कोई ना कोई आएगा और हमारे फार्म को खराब कर सकता है। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, यहाँ पे ये सीड्स जो है ना ये लगा दूंगा, एंड सीड लगाने के बाद मैं कुछ लाइक जो थोड़ी सी चीजें हैं जिससे यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा जिससे लोग इसके अंदर ना जा पाए। ओके अभी मैं सीड्स लगा देता हूँ अच्छे से। ये बाहर क्या कर रहे हैं, तुम लोग पानी में जाओ। ओके तो अभी हम लोग का फार्म कंप्लीट हो गया है लेकिन रात होने वाली है, और मेरे को ये बताओ यार, और यहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा होगा इस्तेमाल करना है। अच्छी चीज ये, मेरे पास भाई सिर्फ 3 सीट्स बची थी और यहाँ पे भी 3 सीट्स का ही जगह है ये लो। ओके यहाँ पे भी हम लोग ने डाल दिया है। तो अभी गाइस रात हो गई है, तो मेरा एक्चुअली फार्म कंप्लीट है, तुम लोग देख सकते हो मोस्टली मेरा फार्म बन गया है। अब बस मेरे को यहाँ पे फेंस लगा के इसको बंद करना है जिससे किसी की भी इसके ऊपर नजर ना लगे भाई, मेरे को पता है भाई वो अपना समझ लेगा, ठीक है। तो भाई मैं फेंस लगा दूंगा जिससे किसी में हिम्मत नहीं होगी अंदर आने की, तब तक मैं सो जाता हूँ बिकॉज रात हो गई है, ठीक है, सोना है एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे डायमंड के लिए। भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था डायमंड और मैं अभी तक डायमंड के पास ही नहीं गया इस एपिसोड में, लाइक मैंने माइनिंग बहुत कम करी इस एपिसोड में। ओके तो ये तुम लोग देख सकते हो भाई हमारी फार्म अच्छा तैयार हो गया है। तो अभी हम लोग बनाते हैं फेंस। ओके तो 6 6+8। ओके तो ये दो दो अलग तरीके की मैंने फेंस बना दी है। अभी यार मेरे पास बहुत ज्यादा सामान हो गया है, ये देखो मैं कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। ओके कुछ सामान जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं चेस्ट में रख देता हूँ। अरे ये कहाँ से ले आया मैं, नाइस रचित, वेरी 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 नाइस। सबसे पहले मैं चेस्ट में रख देता हूँ चीजें, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई फेंस को लगाना। अरे 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 भाई ये फेंस और स्टेयर्स में भाई ये मेरे को गुस्सा दिला देती है भाई बार बार, इनको सही से लगने में भाई क्या दिक्कत होती है, कोई मेरे को ये समझाओ यार। ये फेंस तो यार अपने को बहुत ज्यादा चाहिए होगी, इतने में तो कुछ हुआ भी नहीं। ओके तो ये हम लोग फेंस लगा रहे हैं लेकिन भाई मेरे को ये कोई समझाएगा कि आखिर ये फेंस हवा में क्यों उड़ रही है इधर साइड वाली, मतलब व्हाट इज दिस। ओके भाई मैंने दो दो अलग अलग तरीके की फेंस लगा दी है भाई, नाइस। और तब तक भाई मेरा फार्म भी तैयार हो रहा है, ये देखो भाई उगने लगे आलू, गेहूं उगने लगे भाई इसके अंदर। ओके ओके आई थिंक मेरे पास 7 फेंसेस और बची हैं, आई थिंक इतने फेंसेस में काम हो जाएगा। थोड़ा लकड़ी और तोड़ लाएंगे भाई जिससे पूरा फेंस सही तैयार हो जाएगा, समझे, मतलब थोड़ी सी और लकड़ी अपने को चाहिए होगी। अरे अब सब अपना ही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार मेरे को, लेकिन यहाँ पे एक फेंस का गेट भी बनाना है, समझे। तो मेरे को सबसे पहले अभी क्या चाहिए, मेरे को भाई थोड़ी सी और लकड़ी चाहिए, ये रही ओक फेंस। ओके मैंने 36 ओक फेंस बना ली है, नाइस, अब होगा ना काम। अब मेरे पास बहुत ज्यादा ओक फेंस बन गई है, तो आगे जाकर मैं अपने इस घर को भी आराम से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोर्ड ले आया हूँ, ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यस नाइस,
ओके ये है हमारा फार्म। ओके तो फाइनली गाइस हम लोग का ये फार्म अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई नो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर भी ये गेट है तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है। आई नो ये दिखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम लोग भी सोच रहे होगे कि आखिर इतना घटिया भाई क्यों बनाया रचित ने, लेकिन कोई ना। एंड यस ओके अभी फेंस तैयार है भाई पूरा, और ये है गेट, तो हम जब भी चाहें तो इस फार्म के अंदर इस गेट के जरिए जा सकते हैं। लेकिन दोबारा नाइट होगी और अपने को दोबारा सोना पड़ेगा। लाइक मैं अपना काम आधा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ और ये गेम के अंदर नाइट इतनी जल्दी हो जाती है, लाइक व्हाट इज दिस यार। ओके तो ये है नई मॉर्निंग और ये है मेरा प्यारा सा फार्म। ओह माय गॉड रचित क्या ही प्यारा फार्म बनाया भाई मैंने। ओके तो मेरा फार्म बन गया है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अंदर जाके तोड़ लूंगा जाके। राइट नाउ अभी मेरे को क्या करना है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है तो मेरे को जाना है भाई और मेरे को करनी है भाई थोड़ी सी, अरे मेरे पास स्टिक्स है ना, मेरे पास 64 स्टिक्स। तो अभी वो समय आ गया है कि हम लोग जहाँ पे करेंगे माइनिंग, अभी मैं इधर साइड जाने वाला हूँ जहाँ पे अभी मेरे को आयरन मिला था ना, मैं वहां पर ही जाऊंगा और चेक करूंगा कि भाई वहां पे मेरे को आयरन मिलेगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को आयरन और भी चाहिए प्लस मेरे को डायमंड चाहिए। डायमंड मोस्टली लाइक L1 और लाइक लेयर 12 लेयर 13 में मिलता है मोस्टली डायमंड, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था माइनिंग करने के लिए, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ही लाइक पूरा माइनिंग का वो बना लेता हूँ। मेरे पास ये आयरन पिकेक्स तुम लोग को दिख रही है तो मैं जल्दी से ये आयरन पिकेक्स के जरिए लाइक सब कुछ तोड़ता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ। तो मेरे को लेयर नीचे जाना है, ठीक है, मेरे को नीचे जाना है मोस्टली लेयर में, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे डायमंड हो सकते हैं। आई थिंक नीचे कोई गुफा है, मेरे को लग तो रहा है भाई ऐसा, बस मेरे को डायमंड मिल जाए। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा गुफाएं हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जानते तुम लोग, ऊपर साइड भी एक गुफा है। मैं सोच रहा था उसी गुफा से जाऊं लेकिन मेरे को यहाँ पे आयरन मिल गया था, तो मैं यहाँ पे डायमंड की वजह से नहीं एक्चुअली यहाँ पे माइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को आयरन चाहिए, और मेरे को यहाँ पे आयरन मिला था तो मेरे को लगा कि शायद से यार और भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है भाई यहाँ पे आयरन के माहौल हैं, मेरे को और भी तोड़ना पड़ेगा भाई। आई थिंक सो आयरन तभी मिलेगा। आई डोंट थिंक सो भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं है जितना मेरे को मिलना था। आई थिंक सो कि भाई मेरे को मिल गया है और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ कोई दूसरी जगह, तो बहुत ज्यादा चांसेस है भाई आसपास में कहीं ना कहीं पे डायमंड होगा। ओके इधर साइड ये गुफा है, मैं इस गुफा में जाता हूँ। एक्चुअली मेरे को डायमंड चाहिए है, विदाउट डायमंड भाई मैं नहीं जा सकता हूँ। ये गुफा और भी नीचे जा रही है भाई, आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा लेयर्स के नीचे जा रही है। मैं भाई यहाँ पे लाइट लगाते जा रहा हूँ, बस यहाँ पे कोई भाई जो है मॉब ना हो। हेलो जी, अरे जॉम्बी जी, नहीं है ना, नहीं है ना, ओ कोई नहीं है, अबे कोई भी नहीं है भाई इधर, फिर पता है कोई है। सामने एक और जॉम्बी आ रहा है भाई, यहाँ पे क्रीपर जॉम्बी सब कुछ है, लेकिन मेरे को एक जगह पे आई थिंक सो दूर रहो मेरे से। ओके, एक को मार दिया, मर। यहाँ पे मेरे को हर जगह पे टॉर्च लगानी पड़ेगी पहले तो। कोई और कोई तो नहीं है, और कोई है भाई। ये गुफा कैसी है, कहाँ तक जा रही है, उधर साइड खुल रहा है। ए, 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 भाई साहब बताए, मेरे को दूसरी तरफ जाना है, मेरे को दूसरी तरफ जाना है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 भाई भाई स्केल्टन भी आ गया भाई, दो हट है। नो भाई ये बहुत नीचे गुफा है, जानते हो लाइक 14-15 लेयर नीचे है भाई ये गुफा। गई ना यार, मेरे पास हट नहीं है भाई बिल्कुल भी, और कोई भी खाना नहीं है। मैं गया लेकिन मेरे को यहाँ पे एक जगह पे वो दिखाता, ज़ॉम्बी आ रही है। ओए वेट, ओ नो भाई मेरे को डायमंड दिखे भाई, मैं ये गुफा कैसी है। ओ माय गॉड मेरे पास दो हर्ट हैं। अरे यार नाइस, मेरे पास जो भी था सब गायब हो गया, और क्या मिला मेरे को, कुछ भी नहीं। अब मेरे को उस गुफा के पास दोबारा जाना है, वहां पे भाई मेरे को डायमंड दिखे थे प्लस भाई वहां पे मेरे को आयरन भी दिखा था, लेकिन भाई उस गुफा के अंदर एक ज़ॉम्बी होता तो चलता। यार मैंने इतनी जगह पे टॉर्चेस लगाई थी लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया यार। मैं सामान लेके भाई इस गुफा की जगह इस गुफा में जाऊंगा यार। माय गॉड यार, मेरा सामान किधर था, मेरे को ये जानना है मेरा सामान इधर था ना। नहीं, उधर साइड डायमंड मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को डायमंड दिख रहा है, यहाँ पे आयरन दिख रही है अभी। नाइस। ओके मेरे को सामान मिल गया मेरा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। वेयर इज आयरन पिकेक्स, नाइस, एंड हेलमेट। ओके मेरे को यहाँ पे गाइस डायमंड दिखा था प्लस मेरे को यहाँ पे आयरन भी दिखा था। ओके ये रहा आयरन। ओ अबे इधर साइड और भी डायमंड्स है। नाइस। किसी को पता नहीं लगेगा, ज़ॉम्बी सभी नहीं देख रहे हैं। आयरन लो जल्दी। ओके मेरे को दो डायमंड मिले हैं, यहाँ पे और भी आयरन है मेरे को भाई। अबे बहुत ज्यादा आयरन है यहाँ पे। नाइस, वेरी नाइस। ये टूटने वाली है मेरी, यहाँ पे और मेरे को दिखा था। ये जल्दी 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 कितने
कितने डायमंड मिले मेरे को भाई, मैं गिनूंगा बाद में। जल्दी से आयरन तोड़ रचित, आयरन तोड़। मिल गई आयरन। ओ पता है भाई ये क्या है, कितने ज्यादा डायमंड्स है। कोई नहीं है ना, भाग 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 भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग भाई यहाँ से, जल्दी भाग। मेरी हालत खराब हो गई थी यार इस गुफा में। ओके तो हम लोग घर पे आ गए हैं, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि भाई हमारा फार्म कैसा है। ओके तो मेरा फार्म भी एक्चुअली काफी कुछ हो गया है, एंड अभी मैं जाता हूँ, गेट बंद करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि भाई मेरे को क्या क्या मिला। 6 डायमंड भाई, बस 6 डायमंड। आखिर मैं 6 डायमंड का क्या करूंगा भाई, मैं 6 डायमंड का कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और मेरे पास आयरन कितना आया है, ओके 13 आयरन आया है। कोई ना, तो अपन जल्दी से आयरन को यहाँ पे डालते हैं। और अपने को यहाँ पे मटन मिल गई है, कुकड मटन, खाओ खाओ खाओ। तो अपने पास भाई लाइक 12 आयरन और है, तो इसका फायदा अपने को ये होगा कि मैं अपने ये जो मतलब कि ये जो मेरा है ना, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा, आर्मर कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि मेरा आर्मर जो है वो बस एक नाम का आर्मर है भाई, बूट्स और ये ऊपर की जो चीजें है ना वो मेरे पास है ही नहीं, तो वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। मतलब मेरे पास आयरन काफी हो जाएगा, बस पेंट ही बाकी था भाई मेरा पूरा आर्मर में। भाई मेरे पास बस पेंट नहीं था, सोच रहे हो लाइक, मेरे पास आर्मर में पेंट नहीं था। ओके तो अभी मेरा मतलब कि आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया है, प्लस मेरे पास आयरन की एक शील्ड भी आ गई है। गुड मॉर्निंग। तो ये है गाइस हम लोग का आज के दिन का मेन मोटिव, ये था फार्म का, ठीक है। क्योंकि आई थिंक सो फार्म काफी अच्छा हो गया है। अब इस एपिसोड के अंदर हमारा फार्म भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने को डायमंड भी मिल गए हैं, उसके पास हमारा मोस्टली लाइक ये भी हमारा पूरा आर्मर भी तैयार हो गया है, ठीक है। 6 हमारे पास डायमंड भी है। ये रुको, मैं अपने पास नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं दोबारा से गुफा में जाऊंगा, भाई ये मेरे को गुफा में जाके मेरे को मार देंगे, तो भाई मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास डायमंड भी हो गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपना थोड़ा सा ये जो वर्ल्ड है ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करके देखेंगे लाइक यहाँ पे कोई सा भी लाइक मतलब की कोई ब्लेज लेज है क्या। अगर आसपास में कोई सा भी ब्लेज होगा तो मैं ब्लेज में लाइक थोड़ी सी लूट उट कर लूंगा जाके यार, समझे। तो यार गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।